रुको, बाल तो बना लेने दो। अरे नैनू, टॉन, इसकी शैतानिया सारा दिन हमें दौड़ाती रहती है, कितना थका देती है ये हमें। अभी एक है तो ये हाल है, अभी कुछ ही दिनों में दो हो जाएंगे तो फिर क्या करोगी? वैसे कितने दिन बाकी रहेगी ड्यू डेट में? 5। क्या हुआ, नर्वस हो? नहीं तो, एक्चुअली हाँ, पहला बेबी है ना। डोंट वरी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ऑफ कोर्स, इतने एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पे, नंदू की मॉम, पिशी माँ, दादी, और फिर सबके सब तुम्हारे लिए मन्नत मांगने भी तो गए हैं। अरे अब तक आए नहीं वो लोग वैष्णो देवी से? वो एक्चुअली पिशी माँ का फोन आया था, उनकी फ्लाइट डिले हो गई है दिल्ली में फॉग की वजह से, अभी लैंड हुई है, आते ही होंगे। लगता है अनु का फोन है, एक सेकंड ना नैनू। हाँ अनु, बस हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। नहीं, काली और नैना को अकेला छोड़ के थोड़ी ना आ सकते हैं, इसलिए मंजी माँ एक बार आ जाए उसके बाद हम निकलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, जल्दी पहुँच जाएंगे। ओके। अरे आप लोग निकलो ना, हमारी टेंशन मत लो, वो लोग आते ही होंगे। पक्का ना? हाँ हम संभाल लेंगे युग। ठीक। ओके। हाथ आगे करो। ये जो धागा है ना काली, ये हमें दादी जी ने दिया था जब हम प्रेग्नेंट थे। इतनी ट्रबल्स के बाद भी नैना कितनी हेल्दी पैदा हुई है देखो। आई होप कि इस धागे से तुम्हें भी हेल्प होगी, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू गौरी। नैनू, बाय। बाय। अब यही बैठना और कोई शैतानी नहीं। ये लो, इसके साथ खेलो, हम आपके लिए खिचड़ी लेकर आते हैं। नैना, गरम गरम खिचड़ी आपके लिए। नैना,
You have to push. जी गुरुदेव, जाकर पता लगाओ आसपास पिछले आधे घंटे में किसी कन्या ने जन्म लिया है कि? जी अभी जाकर पता करता हूँ गुरुदेव, परंतु हुआ क्या है? एक पुण्यात्मा आई है धरती पर, दुर्भाग्य से बहुत कम समय के लिए, केवल 6 वर्षों के लिए। छठवा वर्ष उसके जीवन का सबसे ज्यादा कष्टकारी होगा। जीवन का 7वां वर्ष लगते हुए वो नहीं देख पाएगी। ठीक है ना तुम्हारी तबीयत बेटा? मुबारक हो, एकदम फूल जैसी बेटी हुई है। हेलो, चिंता मत कीजिए, हम अभी आ रहे। क्या हुआ मंजरी, अब ठीक तो है ना? जी बस ठीक है, हमें काम से जाना होगा। पर मंजी बाप, आज ही तो पवित्रा का बर्थडे है और शायद आप ही जाने वाले थे ना मंदिर दान के लिए। कोई बात नहीं मंजी माँ, नहीं तो कोई और चला जाएगा, उनका जाना जरूरी है, आखिर मठाधीश है वो। हाँ, पूरे 7 गांव के लोग न्याय के लिए पिशी माँ को देखते। पिशी माँ आप जाइए, हम यहाँ पे संभाल लेंगे। थैंक यू युग, लेकिन हम अकेले ये सब कैसे कर पाते? कली ने हमारा कितना साथ दिया। हम हमेशा आपके साथ हैं मंजी माँ। अब हम चलते हैं, कहीं वहां पहुंचने में देर ना हो जाए। अरे हमको भी तो खिलाओ प्रसाद। अरे तुम काम जल्दी जल्दी करो ना, 2 घंटे का फंक्शन है। यहाँ आराम से बैठो, पहले ये जूस पी लो। कितना ध्यान रखते हो। अरे हम आते, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। ये क्या कर रही है दुल्हनिया? बलून्स लगवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, नैना उठी? हाँ उठ गई ना। झूठ बोल रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, हम काहे झूठ बोलेंगे। अच्छा हम देखते हैं अभी कि वो उठी है या नहीं। हाँ देख लो, मर गए दुल्हनिया, उठ गई है। नैना उठो, उठो नैना, नैना उठ जाओ, सुबह हो गई है। ये है पवित्रा और मैं हूँ नैना। आज से शुरू होगा हमारे जीवन का नया अध्याय। राम जी से बस यही प्रार्थना है कि मेरे परिवार की खुशियाँ इसी तरह बनी रहे और मेरी दोनों बेटियाँ हर मुसीबत से सुरक्षित रहें। 6वां वर्ष उसके जीवन का सबसे ज्यादा कष्टकारी होगा। अपने जीवन का 7वां वर्ष लगते हुए वो नहीं देख पाएगी।